हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, आज आपने चाय बना दिया। मैंने बोला था तुम्हें मेरी उसके दिन मैं पिलाऊंगा चाय, तो मैंने ऐसा कमिटमेंट की थी कि जिस दिन कोई स्पेशल डे होगा उस दिन चाय मैं पिलाऊंगा। तो आज हमारी मेरी एनिवर्सरी है, तो ये आज सोने में मतलब मशगूल है सुबह से। अभी तक था कितने बज गए, करीब 6:15 बज गए हैं अभी तक, ये सोई हुई है। वरना और दिन हम लोग 5:30 बजे उठ के वॉक चलाते। कल शाम क्या हुआ कि हम लोग गए थे मार्केट थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा निहारिका के लिए कुछ सूट वगैरह ले लिया जाए इमरजेंसी के पक्ष में, तो उससे हमको लेट हो गया था लेट। तो मैंने निहारिका के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लिया है जो निहारिका को नहीं बताया। अभी देखते हैं निहारिका कैसे खुश होती है। तो ये मैंने निहारिका के लिए, एक्चुअली इसमें मैं पैक किसे कोई कर नहीं पाया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ही अपने हाथ से अखबार से पैक करता हूँ। हैप्पी बर्थडे नर्सरी, क्या है बताओ। तुम देखो, खोल के तो देखो पहले। पैकिंग कैसे करके है ना, दुकान वाले तो एक बार वाक कर आया हूँ, क्योंकि इसे कोई पैक नहीं कर पा रहा था। बड़ी है बड़ी। कई बात है, पॉलिथीन बाहर के फटनी है, पॉलिथीन फटनी है भाई। तो कैसा लगा? बढ़िया, क्योंकि हम लोग के पास एक भी फोटो नहीं थी। हमारी भी शादी की एल्बम अभी क्या है कि फोटो तो हम लेके आ रहे हैं, शादी की भी इसमें कोई एक भी फोटो नहीं है। अभी फोटो नहीं आ रही, लेके आई जब मायके गई थी, मैं इसे लेने के लिए गया था। तो अभी मैंने ये एक बनाया था कि हम लोग की जर्नी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई, मतलब फर्स्ट बार जब हम लोग गाँव गए थे तो हम लोग ने वहाँ पर ये फ़ोटो खींची थी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग दोनों गए थे चिड़ियाघर घूमने के लिए, ठीक है। फिर चिड़ियाघर घूमने के बाद हम लोग आए थे किधर, यहाँ पर अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए। अम्बेडकर पार्क घूमने के बाद हम लोग दिवाली पे अपने घर गए। दिवाली में घर गए तो हाँ, ये हम लोग का वही शादी के टाइम वाली फ़ोटो है, निधि ने खींची थी। और ये वाली हम लोग गए थे केदारनाथ ट्रैक पे, केदारनाथ मंदिर के बाहर की फ़ोटो अच्छी नहीं आई तो है ना। फिर उसके बाद हम लोग गए थे बद्रीनाथ मंदिर की, होगी ना फोटो, ये तो बद्रीनाथ, ये है बद्रीनाथ मंदिर की फ़ोटो। हाँ, मतलब ये बद्रीनाथ मंदिर है ये, हाँ ये लास्ट इंडियन विलेज माणा गाँव है, ठीक है। हिंदुस्तान की आँख, हाँ ये हिंदुस्तान की आँख की दुकान है। उसके बाद हम लोग गए थे चित्रकूट, नहीं बनारस, हाँ फिर हम लोग बनारस गए थे। फिर हम लोग गए थे यहाँ चित्रकूट, चित्रकूट के बाद हम लोग गए थे अयोध्या, अयोध्या के हम लोग गए थे, हाँ ये काठमांडू हो गया, ये भी काठमांडू हो गया, फिर हो गया पोखरा हो गया, और ये भी आपका पोखरा हो गया। तो इतना हमें मतलब फोटो कम पड़ जाती, लेकिन जो अच्छी अच्छी फ़ोटो थी वो मैंने इस फ्रेम में लगाई हमारी मेमोरीज के लिए पूरे एक साल की। एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा शायद मैं कल या परसों में, अभी तो पहले सिंगई वाला वीडियो डालना, उसके बाद डालूंगा कि हमने एक साल में हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। एक छोटी सी क्लिप 4-5 मिनट की, वो मैं डालूंगा आपको दिखाने के लिए अगर पॉसिबल रहा तो। और थोड़ा ये मैंने बनाया है, वैसे इतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि टाइम कम था, लेकिन फिर भी है हम लोग के लिए एक मेमोरी। जब हमारी जो दीवार सुनी सुनी लगी हुई है ना, तो वहाँ पे ये आ जाएगा। कैसा लगा तुम्हें? अच्छी, सच सच बताना, सच में बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अभी हम लोग का आज का प्रोग्राम बहुत मतलब देखते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग शाम को क्या करते हैं, अभी निहारिका और मंदिर जा रहे हैं फिलहाल पूजा करने के लिए। उसके बाद शाम को देखते हैं हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें, घर में या बाहर वो देखते हैं, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, मे बी घर पे ही करें वो देखते हैं, उस हिसाब से आपसे डिपेंड करेगा। पता है एक जोक सुनाओ तुमको, है एक बार क्या होता ना कि एक बच्चा पैदा होता है, नर्स जैसे पैदा होता है, नर्स से पूछता है लाइट है, तो नर्स बोलती है कि नहीं लाइट नहीं है, तो बोला अरे फिर से यूपी में पैदा हो गया। तो अभी स्थिति है देखो ये, मतलब मैं भी ऑफिस से आया हूँ और लाइट है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है इस बार ही ऐसा हो रहा है, पिछले साल तो लाइट पूरी थी हमारे यहाँ, तो खैर जाती नहीं है लाइट, वैसे जाती भी तो कम से कम 5 मिनट की जाती है, लेकिन अभी 3 घंटे से नहीं है, लगता है कोई बड़ा ब्रेकडाउन
हुआ होगा कहीं आसपास। तो फिलहाल जब तक लाइट नहीं आती है तो निहारिका में सोचते हैं कि इस दीवार को थोड़ा सा डेकोरेट कर दें, क्योंकि बाहर थोड़ा कोरोना के केस फैल गए हैं, तो इस वजह से हम लोग बाहर जाना क्या करें अवॉइड कर रहे हैं, घर पे ही कुछ ऑर्डर करेंगे या घर पे कुछ बनाएंगे, अभी हमारे को डिसाइड नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें हैं, हम लोग थोड़ा आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो वो भी मतलब हम लोग को सही से मिल नहीं पाया, लेकिन कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है इसमें हम पूरा करेंगे। केक अभी ऑर्डर किया है, केक आने वाला है, पता नहीं कैसा केक आएगा वो भी देखते हैं। वो हमारा गिफ्ट रखा हुआ है निहारिका ने, आधे दिन में लगता है इसी को देखते रही ये बैठ के हैं तो मैं भी हो गया हूँ डेकोरेट, निहारिका भी तैयार हो रही है, साथ साथ में हमने पूरा रूम डेकोरेट कर दिया है। केक जो ऑर्डर किया था जोमेटो से वो केक भी आ गया है, बस केक काटने की तैयारी है। देखिए अगला केक का जो मैंने कहा था ना वो आ गया है, उसकी घंटी बज गई है, तो हम लोग केक काटते हैं, फिर उसका निहारिका अपने पसंद का खाना ऑर्डर करेगी और मैं अपने पसंद का, देखते हैं आज हमारी मेरी ऐसी कैसी रहती है। आप सब लोग की शुभकामनाएं ऐसी बनी रहनी चाहिए हमारे साथ और हम लोग आपके साथ साथ ऐसी सालों साल तक जुड़े रहें और ऐसी अपनी मेरी रसोई मनाते रहें। आप लोग की ओर से ये आशीर्वाद मेरे को चाहिए। तो अपना एक केक आ चुका है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी फर्स्ट, तो ये देखिए बहुत अच्छा है, ये बटर स्कॉच फ्लेवर है और गोमती नगर से हमने मंगाया हुआ है ब्राउन बेकरी से, तो मतलब काफ़ी अच्छा है वहाँ का, मैंने दो तीन बार मंगाया केक वहाँ से, अपने बर्थडे में मंगाया था, निहारिका के बर्थडे में मंगाया था, तो हमने वहीं से ऑर्डर करते हैं जोमेटो से। तो ये ब्राउन बेकरी, आप ब्राउनी बेकरी जो आपका गोमती नगर में है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हेलो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये वैसे मम्मी पापा लोग होते ना काफ़ी अच्छा होता है, एक्चुअली क्या है मम्मी पापा लोग यहाँ लखनऊ में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो कह रहे कि नहीं हम लोग पहाड़ पे जा रहे हैं, एक दो लोग और होते हाँ कुछ लोग होते तो हाँ, या अगर नीतू आती कोई भी आता मतलब, तो कुछ लोग होते तो थोड़ा मज़ा आता है। क्या थोड़ा नाक पर आना है? नहीं अभी नहीं लगाइए, चलो ये खाओ, ये स्पेशल बना है ना? तो हम करते हैं केक बन। तो निहारिका ने मंगाया कुछ इस टाइप का, कौन सा पिज्जा था ये, मोमो पिज्जा कुछ नहीं था, कुछ मतलब ऐसा कुछ उसका नाम था, नाम इसमें आगे कहाँ लिखा होगा नाम उसमें, तो ऐसा कुछ मतलब उसका मिया तो निहारिका ने मंगाया है मिया मोमो पिज्जा। तो ये मिया मोमो पिज्जा हमने पिज्जा से मंगाया, हमने कहा थोड़ा ये अलग टाइप का दिख रहा है तो इसे खा के टेस्ट करते हैं कैसा है, जितना मैं छोटा मंगाया था ऐसे क्या निहारिका की फरमाइश पूरी होती है, हम लोग का टेस्ट भी थोड़ा चेंज होता है। पहली बार है तो खाली, हाँ पहली बार हमने कहा पहली बार मंगा रहे हैं, तो हमने कहा वेस्ट करना बेकार है, थोड़ा इसमें मोमो डले हुए हैं तो देखते हैं ये कैसा है खाने में। तो इसमें है देखिए खीर, चावल, ये दाल, इधर मिक्स वेज और उधर पनीर और थोड़ा सलाद, और है दो मिस्सी रोटी और पापड़। तो हम लोग करते हैं अपना डिनर स्टार्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जो रूम से जो सफ़र था वो निकल पाया, वो अभी तक हम थे रूम पे और रूम से हमारा सफ़र निकल गया रोड पे, क्यों मालूम है आपको? तो अभी क्या है निहारिका का मन था क्या, घूमने का और आइसक्रीम खाने का, तो मेरा भी मन था आइसक्रीम खाने का। स्वीटीज में हम लोग खीर तो लेके आए थे, लेकिन क्या है खीर गर्म हो गई थी ना, ठंडी अगर आती तो सही रहती, मतलब क्या उसके आस पास की सब्जी और दाल सब गर्म थी, खीर अगर ब्रेकफॉर्ट ना की ठंडी का हो तो अच्छी होती। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बीवीडी के आसपास, तो हम लोग खाएंगे वहाँ पे आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाएंगे। तो आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमेशा ऐसी रहे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। अगर आपको चैनल पसंद आए वो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।